तो हे गाइस, क्या हाल चाल भाई लोग। हमने पिछली वीडियो में सीखे थे कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं। जो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर वहाँ वीडियो देख कर आइए कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं। मैंने प्रॉपरली सिखाया है एचडी फोटो कैसे रिमूव करते हैं। बैकग्राउंड रिमूव ये मैंने फ़ोटो सिलेक्ट की। आज हम सीखेंगे कि बैकग्राउंड एडिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट की है, ये फ़ोटो मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दी थी, आपको पिछली वीडियो में देख लेना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें प्रॉपर बैकग्राउंड ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लियर फ़ोटो के लेके तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से ये कैमरे वाला सेक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो उसे, ये वाला सेक्शन, इसको क्लिक करना है और बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो गाइस, हमने बैकग्राउंड ऐड कर दिया है। अब मेन प्रॉब्लम है कि ये बैकग्राउंड थोड़ा मैच नहीं हो रहा हमारे फ़ोटो के साथ, और दूसरी बात कि अभी तक फ़ोटो नकली नज़र लग रहा है। तो हम इसको कलर ग्रेडिंग भी करेंगे कि जिससे कि फ़ोटो और अच्छा दिख सके, क्योंकि कलर ग्रेडिंग के बिना हमारा बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ फ़ोटो कभी अच्छा नहीं दिखता। तो सबसे पहले इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ से हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पहले फ़ोटो सिलेक्ट करना है ये वाला। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें ये ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है और फ़ोटो को बीच में ऐड कर देना है। अब ज़रूरी चीज़ है कि इसमें ब्लर ऐड करते हैं, क्योंकि बिना ब्लर के फ़ोटो कभी भी अच्छे नहीं दिखती, क्योंकि ब्लर ज़रूरी होता है। एक लिमिट तक ब्लर रखोगे तो फ़ोटो हमारी थोड़ी क्वालिटी वाली दिखती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और फिर हम ये सिलेक्ट करके बैकग्राउंड, फिर यहाँ पर जाएंगे और आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है ब्रश वाले आइकॉन को। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगी, तो हमें सिलेक्ट करना है इफेक्ट फिल्टर, इसको क्लिक किया। यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन आप दिख रहे हो, बहुत सारा ऑप्शन है, तो हमें नॉर्मल ब्लर चाहिए, तो हम ये गेशियन ब्लर को सिलेक्ट करते हैं। फिर इसका लिमिट रखते हैं हम यहाँ तक 32 और इसको कर देते हैं डन। और यहाँ से क्रॉस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अब हो चुका है कि बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, तो फ़ोटो अब हमारी थोड़ी नॉर्मल दिख रही है, कि फ़ोटो बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, तो लग रहा है कि DSLR से फ़ोटो क्लिक की है, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका था इस टाइम। अब दिख रहे हैं कि हेयर ऐसे ही दिख रहे है, हेयर दिख रहे है, देखो नकली दिख रहे। तो इसको क्या करते हैं, हम स्केचबुक में एडिट करेंगे, जिससे कि फ़ोटो स्किन भी स्मूथ हो जाएगी और हेयर भी एडिट हो जाएगी। तो हम इसको यही क्वालिटी में फ़ोटो बाहर निकालने के लिए सबसे जाएंगे, पहले जाएंगे बैक टू माय गैलरी, अब बारी है फ़ोटो को बाहर निकालने की। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर थ्री डॉट वाले सेक्शन, यहाँ से क्लिक करेंगे और हमें फ़ोटो चाहिए फुल HD, तो सेव फोटो JPEG पर क्लिक करते हैं और ये फ़ोटो को थोड़ा टाइम लगेगा और फ़ोटो सेव हो जाएगी, ये आपको शो नहीं करती, डायरेक्ट ही गैलरी में पहुंच जाती है। तो अब हम जाएंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक में, अब हम आ चुके हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक में। आप देख सकते हो फ़ोटो की क्वालिटी अभी भी वही ही है, कोई भी फ़र्क नहीं है। आप देख सकते हो कि फ़ोटो की क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होती IBIS में, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो देख लेना। अब जाते हैं लेयर वाले सेक्शन पे, यहाँ पर से हमारा सबसे पहला काम है कि स्किन को वाइट करना। तो सबसे पहले एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं, यहाँ से प्लस आइकन से यहाँ से एक लेयर ऐड की। अब इसका क्लिक करना है और ब्लेंडिंग मोड पर जाना है और यहाँ से हमें इसकी ब्लेंडिंग मोड रखनी है सॉफ्ट लाइट, तो यहाँ क्लिक किया। फिर ब्रश वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करना है हमें ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसकी ओपेसिटी देख लो 100 रखनी है। फिर जाते हैं कलर्स वाले टूल्स में और फिर यहाँ से हमें कलर सिलेक्ट करना है इस वाले कलर को हमें सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हो ये
कलर। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से ऑपेसिटी 100। अब इसको स्किन पर अप्लाई कर देते हैं। और ये फोटो पर कलर ऐड हो चुका है। अब इसको करेंगे हम कम, तो यहाँ से जाएगी इस वाले लेयर को क्लिक करके HSL वाले सेक्शन में, और यहाँ से इसकी सिचुएशन करेगी कम और लुमिनस को बढ़ाएगी। इतने रखते हैं, यहाँ से करेंगे डन। अब बारी है होंठ की, लिप्स की, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं और फिर इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे हम सॉफ्ट लाइट। अब कलर वाले सेक्शन पर जाएगी और यहाँ से हमें कलर चूज करना है, सॉरी कोई कलर चूज नहीं करना है, हमें यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। इसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट ये वाला। अब इसको परफेक्ट हमें ये कलर चाहिए, तो इसको सिलेक्ट किया, जूम किया और अप्लाई कर दो। और इतना करने के बाद कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है लाइक, तो इसका ओपेसिटी हम कर लेंगे कम। तो अब फोटो अच्छे से ऐड हो चुका है। अब इन दोनों लेयर को कर लेते हैं हम मर्ज, तो यहाँ से कर लेंगे यहाँ से मर्ज ऑल। अब बारी है फोटो को स्किन को स्मूथ करने की और हेयर एडिटिंग करने के लिए। तो फोटो के एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे यहाँ से और फिर ब्रश सिलेक्शन पे जाएंगे और सिलेक्ट करना है हमें इस वाले ब्रश को जो हमारी स्किन स्मूथ करेगा। तो इसको सिलेक्ट किया, इसकी सेटिंग आप देख लो, ये फ्लो स्ट्रेंथ सही बोला। अब इसको स्किन पर ऐड कर देते हैं। अब हमारी स्किन एडिट हो चुकी है, देख सकते हो पहले से अच्छी दिख रही है। अब बारी है हेयर एडिटिंग करने के लिए, तो ब्रश सिलेक्शन में जाएगी और यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करेंगे हम, इसको सिलेक्ट करना है, इसको किया सिलेक्ट। अब सेटिंग देख लो, यही रखनी है। अब जाते हेयर एडिट करते हैं। Yeah.
अब हमारे हेयर भी एडिट हो चुके हैं, देख सकते हो पहले से अच्छे दिख रहे हैं। अब बारी है कि फ़ोटो कंप्लीट हो गई है, मगर कलर ग्रेडिंग करनी ज़रूरी है क्योंकि फ़ोटो थोड़ी नकली लग रही है। तो इसको ले जाते हैं लाइट रूम में। तो गाइस हम आ चुके हैं लाइट रूम में। अब देखो फोटो बहुत वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने लाइट रूम की एक प्रीसेट बनाई और फिर मैंने इस पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको इसकी रेंज चाहिए तो कमेंट्स मिलेगा, मैं आपको इसकी रेंज दे दूंगा जिसका फोटो परफेक्टली एड हो जाएगी। अब आप देख सकते हो कि फ़ोटो पहले से कैसी HD और फुल HD हो चुकी है, फट भी नहीं रही, फटेगी भी नहीं। आप भी ऐसी फ़ोटो एडिट कर सकते हो, बस मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस आउट।